सभा में उत्तराखंड समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं गढ़वाल सभा कालका के पूर्व प्रधान दाताराम पुरोहित एवं उनके समर्थकों ने कालका नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार एवं इलाके के प्रसिद्ध समाज सेवी हर्ष कुमार की धर्मपत्नी पवन कुमारी शर्मा को गढ़वाल भवन कालका के साथ ही लगते लक्ष्मी नारायण मंदिर में बुलाकर आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर उनके साथ वार्ड के पार्षद पद के प्रत्याशी कुलविंदर शंटी भी उपस्थित रहे। पुरोहित ने अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए पवन कुमारी शर्मा को बताया कि इलाके में सफाई व्यवस्था ठीक ना होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सभा के पूर्व प्रधान जगमोहन पटवाल ने बताया कि उनके वार्ड के साथ पीने के पानी की सप्लाई भी सही से नहीं होने से लोग परेशान रहते हैं। इसके साथ टूटी गलियों और सड़कों से भी निकलना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उपस्थित लोगों को शर्मा ने कहा कि यदि वह सब उनको चुनकर एक मौका देंगे तो वो उनको विश्वास दिलाती हैं कि वो इन दिक्कतों का निपटारा जल्द से जल्द करवाएंगी। कार्यक्रम के बाद पवन कुमारी ने कालका में किन्नर समाज के महंत बिरादरी से भी जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर रवि पुरोहित, हितेश शर्मा, मंजू, पुष्पा, सुमित्रा, दीपा नेगी, अर्जुन बिष्ट, अमित कुमार, प्रेम सिंह, राम सिंह, बलवंत सजवान, जोगिंदर सिंह, ओम प्रकाश थपरियाल, पदम सिंह, सुरेश नेगी, मनिंदर सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। और धन्यवाद जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ कुछ पल बिता पाऊँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि चेयरमैन बनने के बाद या नहीं भी बनी तो भी हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। अभी पिंजौर की जो गढ़वाल सभा है उसके लिए भी उन्होंने शुरू किया काम, उसके लिए भी मेरा कुछ योगदान रहा था, लेकिन कभी भी आप मुझे दिन या रात कभी भी मुझे आप याद करें, मैं यहीं हूँ और यहीं रहती हूँ, मॉडल टाउन 30 सेक्टर में, और पिंजौर में हमारा ऑफिस है रौनक होटल के सामने। तो कभी भी मेरी कोई बहन या कोई भी भाई जब मर्जी, मेरे हस्बैंड भी यही ऐसे ही समाज सेवा करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं तो खैर इतना नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं समाज के लोगों के लिए काम करूँ और आप सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। और यहाँ से इस बार से शंडी भाई को आप जरूर वोट दीजिए और वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो हमेशा से सबके काम आते रहते हैं, ये हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यही मेरी अपील रहेगी। धन्यवाद। हमारी छोटी बहन पवन कुमारी जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि पार्षद के चेयरमैन पद के लिए जो है उम्मीदवार है। मैं बहन पवन कुमारी जी को सभी उपस्थित सज्जनों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पे आके हमारे साथ अपना साथ दिया है। मैं उस परम पिता परमेश्वर की से प्रार्थना करूँगा कि बहन पवन कुमारी जी सफल हो, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मंदिर में जिसका कि जो है निर्माण चल रहा है, आज उस लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनको हमने यहीं पे बुलाया है, और लक्ष्मी नारायण भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। मैं बारे बताने की कोई और नहीं लगा तो मैं दसा पड़ोस मेरा घर है, एक भी मौका दो, पहले भी कभी नहीं पिछे हटे, हूं तो मैं पड़ोसी मेरे एक मौका दो किसी प्रकार का, मैं हर टाइम हाजिर, पहले भी हाजिर थी हूं भी हाजिर, क्यों बस ये पार्टी वाला इलेक्शन जी, प्लीज अपने ये देखो केड़ा खड़े केड़ा तो दिला बिल्कुल पुराना खड़े खड़े है। संजीव जी, प्रधान दाताराम जी, सभी आए हुए आप लोग अतिथिगण, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पता चला है
कि चुनाव के संबंध में ये बैठक बैठाई गई है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्य समस्या हमारी कौन सी है? हम घरेलू लोग हैं, पानी की और गरीबी। सरदार साहब, आपको संबोधित कर रहा हूँ, दो मुख्य समस्याएं जिन पे हमारे जीवन आधारित है। गली में आना जाना पड़ता तो मैं कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो कृपया इस पर जरूर जांच कीजिएगा। और एक बिजली के काम, तीन मूलभूत सुविधाओं पे मेरे ख्याल से सभी गृहणियाँ भी बैठी हुई हैं और परिवारजन भी बैठे हैं, पुरुष महिलाएँ सभी हैं, घरेलू परेशानियाँ यही हैं, इन पर आप थोड़ा सा डीपली ध्यान देंगे तो आपका मैं बहुत बहुत करूँगा। आज हमारी बहन जी आई हुई है यहाँ पे, हमें अभी पता लगा कि आप चेयरमैन के बेटे हैं, अभी तक आप लोगों का सैंपल मिला, जैसे सैंपल मिलेगा हम जितना भी हो सके आपका प्रचार करेंगे।